हे वेलकम यूट्यूब, आई एम अनिकेत एंड यू आर वाचिंग विद स्टडी। तो आज इस वीडियो के अंदर हम बात करने वाले हैं सरफेस फीचर्स ऑफ द डॉग। बेसिकली कौन कौन सी टोपोग्राफिक पोजीशन होती हैं डॉग के अंदर, वो हम आज देखने वाले हैं। तो स्टार्ट करते हैं हेड के साथ। यहाँ पर हेड में आपको सबसे पहले क्या देखने के लिए मिलता है, ये वाला जो पोर्शन है बेसिकली दिस इज़ नोन एज हेड रीजन। एंड यहाँ पर आपको क्या क्या देखने के लिए मिलेगा वो देखते हैं। तो यहाँ पर सबसे पहला जो पोर्शन है दिस पोर्शन इज़ नोन एज क्रेनियम। एंड क्रेनियम के बाद आपको ये जो लाइन यहाँ पर आपको देखने के लिए मिलती है दिस इज़ नोन एज जॉ लाइन। जॉ लाइन के बाद आपका आता है फेस। सो दिस कंप्लीट इज़ फेस। ये पूरा ही आपका क्या होता है, फेस होता है डॉग का। एंड ये वाला जो एरिया है दिस इज नोन एज चीक, राइट। एंड इसके अलावा ये वाला जो पोर्शन है दिस इज नोन एज मैंडिबल। मैंडिबल तो आपको पता ही है, सो दिस इज मैंडिबल। मैंडिबल के बाद यहाँ पर आपका ऑलमोस्ट पूरा फेस कंप्लीट हो जाता है। यहाँ पर आपका ईयर पिन्ना है, ठीक है। तो ये आपका पूरा हेड हो गया डॉग का। अब हेड के बाद हमारा नेक्स्ट आता है, आप ये नोट कर सकते हैं साथ के साथ, नेक्स्ट आपका आता है बेसिकली नेक। तो ये वाला जो पोर्शन है दिस इज़ नेक। एंड नेक के बाद यहाँ पर ये आपका लैरिंजियल रीजन, लैरिंग्स होगा, ठीक है डॉग में, ठीक है। इसके अलावा ये वाला आपका जो आता है ये शोल्डर रीजन है, दिस वन, दिस इज शोल्डर। एंड शोल्डर के बाद आपका यहाँ पर मतलब ब्रेस्ट आता है, या फिर आप ब्रिस्केट भी बोल सकते हैं। ये वाला जो ये वाला एरिया होता है, ये आपने कैटल और बफेलो के अंदर भी देखा होगा। यहाँ पर भी हम इसे क्या बोलते हैं, ब्रेस्ट या फिर ब्रिस्केट, राइट। इसके बाद हम थोड़ा सा नीचे मूव करेंगे तो ब्रिस्केट से नीचे हमें यहाँ पर क्या देखने के लिए मिलेगा, शोल्डर पॉइंट। दिस इज़ नोन एज शोल्डर पॉइंट। शोल्डर पॉइंट के बाद हमें क्या देखने के लिए मिलता है, यहाँ पर आपकी ये वाली जो पोर्शन है दिस इज़ नोन एज आर्म। दिस इज़ आर्म। एंड आर्म के बाद दिस इज़ पॉइंट ऑफ एल्बो। This one is point of elbow. Point of elbow के बाद आपका ये वाला जो पूरा एरिया है this is forearm. And forearm के बाद this one is, so this is joint, right? And this one is known as carpal joint, या फिर carpal joint को हम knee joint भी बोलते हैं, ठीक है। तो दिस वन इज़ कार्पल जॉइंट। इसके बाद हमारा यहाँ पर एक पैड प्रेजेंट होता है, ठीक है, ब्लैक कलर का, दिस इज़ नोन एज कार्पल पैड। एंड आफ्टर कार्पल पैड वी हैव फोर पो। सो दिस इज़ फोर पो। ये कंप्लीट आपका क्या है, फोर पो। फिर इसके बाद मेटा कार्पल पैड हमारा, ये वाले जो हैं दीज आर मेटा कार्पल पैड, मेटा कार्पल पैड। सो कार्पल पैड हुआ, मेटा कार्पल पैड हुआ, ठीक है। इसके अलावा ये मेटा कार्पल पैड के यहाँ आगे एंटीरियरली यहाँ पर आपको एक और पैड मिलेगा, एंड दीज आर नोन एज डिजिटल पैड। सो बेसिकली पैड क्या है कि आपको एक मतलब ब्लैक कलर का एक एरिया देखने के लिए मिलेगा। अगर वो यहाँ पर देखने के लिए मिलता है तो दिस इज नोन एज कार्पल पैड, मेटा कार्पल पैड एंड डिजिटल पैड, ठीक है। तो ये आपके, क्योंकि ये डिजिट्स हैं, ठीक है, तो ये आपका फोर आर्म यहाँ पर कंप्लीट होता है डॉग के अंदर। इसके अलावा हम बात करते हैं विदर। तो आपने हॉर्सेस के अंदर भी देखा था, दूसरे एनिमल्स के अंदर, एंड यहाँ पर भी विदर हमारा टॉप लाइन का हाईएस्ट पॉइंट को ही हम क्या बोलते हैं, विदर। इसके बाद विदर के बाद हमारा क्या आता है, बैक। बैक के बाद हमारा इसके अंदर क्या आता है, बेसिकली लोइन एरिया। सो दिस वन इज लोइन। एंड फिर लोइन के बाद हमारा क्या आता है, क्रूप एरिया। एंड फिर क्रूप एरिया के बाद आपका यहाँ पे ये पूरा रंप हम इसे बोलते हैं, दिस इज
रम्प, एंड रम्प के बाद आपका मान लीजिए ये, दिस वन इज रूट ऑफ टेल, राइट। एंड रूट ऑफ टेल के बाद तो आपका स्टार्ट हो जाएगा टेल। इसके बाद यहाँ पर अगर मैं बात करूँ थोरैक्स कहाँ पर है, सो दिस वन इज थोरैक्स, सो दिस वन इज थोरैक्स, या फिर हम इसे चेस्ट भी बोल देते हैं। एंड दीज आर कोस्टल आर्चेस, ये जो यहाँ पर आपकी बन रही हैं, दीज आर कोस्टल आर्चेस। एंड इसके अंदर आपका एब्डोमेन रीजन अगर मैं बताऊँ तो दिस वन इज एब्डोमेन रीजन, एब्डोमेन रीजन। एंड एब्डोमेन के बाद यहाँ पर आपको ये जो फोल्ड दिख रहा है, यू कैन सी दिस फोल्ड, ये जो फोल्ड आपका स्किन का, ये जो फोल्डिंग दिख रही है, इसे हम क्या बोलते हैं, फ्लैंक, ठीक है, फोल्ड ऑफ फ्लैंक बोला जाता है इसे, बेसिकली फोल्ड ऑफ फ्लैंक बोला जाता है। एंड फिर यहाँ पर आपको थाई, सो दिस इज थाई, ये पूरा थाई रीजन है डॉग का। एंड थाई के बाद यहाँ पर आपको अम्बलिकस यहाँ पर होती है, वो तो जब आप देखेंगे तब दिखेगी। एंड अम्बलिकस के बाद यहाँ पर आपको डिफरेंट जॉइंट्स भी देखने के लिए मिलते हैं, जैसे कि यहाँ पर ये आपका स्टिफल जॉइंट प्रेजेंट होता है, ठीक है, स्टिफल जॉइंट। स्टिफल जॉइंट के अलावा यहाँ पर आपका ये वाला जो एरिया है, दिस इज़ नोन एज शैंक, शैंक रीजन, शैंक। एंड शैंक के अलावा यहाँ पर ये आपका हॉक जॉइंट है, ये बहुत इम्पॉर्टेंट है, हॉक जॉइंट, हॉक जॉइंट, हॉक जॉइंट, हॉक जॉइंट के अलावा ये आपका हाइंड पाव है, हाइंड पाव, हाइंड पाव के अलावा दीज आर डिजिट्स, सो दीज आर डिजिट्स। एंड डिजिट्स के बाद ये आपके आगे क्लॉज हो जाएंगे, तो बेसिकली ये पूरा आपका हो गई। और दिस ये तो आपका हॉक जॉइंट हो गया, एंड दिस पॉइंट इज नोन एज पॉइंट ऑफ हॉक, पॉइंट ऑफ हॉक। सो ये आपके कंप्लीट टोपोग्राफिक डिस्ट्रीब्यूशन या फिर सरफेस फीचर्स मैंने डॉग के यहाँ पर डिस्कस करे। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।